पंतनगर 7 मार्च विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान की अध्यक्षता में 115वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के आयोजन से पूर्व आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक बैठक का आयोजन कुलपति सभागार में किया गया। पत्रकार वार्ता का संचालन निदेशक संचार डॉक्टर जेपी जायसवाल द्वारा किया। उन्होंने कहा कि कृषकों के हित में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा पूर्व में किसान मेले का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और इस बार भी आप सभी का सहयोग मिलेगा। निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर जितेंद्र वक्वात्रा ने बताया कि कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान के नेतृत्व में 115वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन 9 मार्च से 12 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। इस बार किसान मेले में लगभग 10,000 से अधिक किसानों के आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में लगभग 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 150 बड़े और 250 छोटे स्टॉल हैं। कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि पिछले अक्टूबर 2023 में 114वें किसान मेले में लगभग 25,000 से अधिक कृषकों ने भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की। पूर्व मेले में लगभग 460 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि 115वां अखिल भारतीय किसान मेले कृषि और उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन 10 मार्च 2024 को मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी एवं अति विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के राज्य रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री माननीय श्री अजय भट्ट द्वारा विधिवत किया जाएगा। 9 मार्च को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक गोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपीएस नेगी, विशिष्ट अतिथि किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह होंगे। इस गोष्ठी में कृषक महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु व्याख्यानों का आयोजन होगा, जिसमें व्याख्यानों के माध्यम से कृषक महिलाओं को सशक्त बनाने की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अपने रोजगार में आय के साधन को और मजबूत करें। उन्होंने बताया कि किसानों हेतु खरीफ की फसलों के नवीनतम प्रजातियों के बीज, मिनी किट और शाक भाजी, फलों, वानिकी, सगंधीय एवं फलों की उन्नत बीजों और पौधों की बिक्री, किसान उपयोगी उन्नत तकनीकों के प्रदर्शन, कृषि उद्योग प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े स्वयं सहायता समूह द्वारा मेले में स्टॉल लगाए जाएंगे। कुलपति ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से विश्वविद्यालय में पत्रावलियों का निस्तारण ई फाइलिंग द्वारा किया जा रहा है, जिससे धन व समय की बचत हो रही है और कार्य निस्तारण में पारदर्शिता बनी है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय में देश के 67 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में पंतनगर विश्वविद्यालय सर्वोत्तम है। इस कारण कुलपति के नेतृत्व में किए गए शोध और शैक्षणिक उपलब्धियों हेतु एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा विश्वविद्यालय को एकेडमिक लीडरशिप 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान के चार नारों में से विश्वविद्यालय जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और विश्वविद्यालय को और शीर्ष तक बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करते रहने पड़ेंगे। असद खान, स्टेट हैंड उत्तराखंड। देखिए, मैं पिछले 2 महीने से लगातार किसानों तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ कि गोविंद बल्लभ पंत एवं कृषि विश्वविद्यालय में 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक हमारी अखिल भारतीय किसान मेला लग रहा है, उसमें हमारे उद्योग की प्रदर्शनी भी लगेगी। आप इसमें यहाँ पर आइए, आप पूरा हमारी ओर से कोशिश रहेगी आपको कि पूरी सुविधाएं देने की, और यहाँ पर आप 3 दिन 4 दिन आप रहना चाहें, आपको रहने की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। आपका हम विशेष ध्यान भी रखेंगे और जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार जो भी हमारी तकनीकियाँ विकसित की गई हैं, हमारे द्वारा जो पैकेजेस प्रैक्टिसेस हमारे द्वारा विकसित किए हैं, उसको आप जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसको अपने जहाँ पर जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर अमल में लाएंगे। इसके अलावा हमारे बीज जो है पंत बीज, आप जानते हैं कि बड़े प्रसिद्ध होता है, तो हमारे यहाँ जो है बीज भी आपको उपलब्ध होगा, आप बीज भी यहाँ से लेंगे और जो गोष्ठी होगी उसमें आप अपनी ओर से पार्टिसिपेट करेंगे और जानकारी आपको मिलेगी। हमारे वैज्ञानिक आपके जितने भी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगे, ताकि आपकी कोई भी जो समस्या है उसका हल हो। हमारा मैं पिछले मेरा ये आह्वान डीडी किसान में भी मैंने उनको कहा है कि हमारा पूरी इसमें पूरे देश में फैलाएँ कि हमारे, और मैं जैसे मैंने देखा है पिछले साल भी कि आंध्र से, उड़ीसा से और हमारे तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से भी हमारे यहाँ आते हैं किसान भाई, दूर दराज से आते हैं, तो हमारी कोशिश हम समय रहेगी कि वो आए यहाँ पर
और इसका पूरा आनंद लें और पूरी जानकारी लें और उसको, ताकि जो अपने जगह जाकर वो अपने उसको अमल में लाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं।